नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट 2020 जो कि 8 जनवरी 2020 को, जिसको यूपी टेट 2019 भी कहते हैं दोस्तों, इसकी संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई है। दोस्तों, इसकी जो पहली उत्तरमाला थी वो 14 जनवरी 2020 को जारी की गई थी, अब उसमें आपत्तियां ली गई और आपत्तियों के बाद 31 जनवरी 2020 को इसकी संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले उत्तरमाला जारी की गई थी, लोगों ने कई आपत्तियां उठाई थी, कई प्रश्नों पर आपत्ति थी, लेकिन यहां पर पीएनपी ने सिर्फ और सिर्फ दो उत्तरों में संशोधन को सही माना है। यहां पर दो प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है संस्कृत का, प्रश्न संख्या 68 सेट डी, आ शनि शब्द है। यहां पर पहले जो पीएनपी ने उत्तर माना था केवल पुल्लिंग को, और अब माना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि जिसने भी पहला या चौथा दोनों में से जो भी अगर किसी ने टिक किया है तो उसको एक नंबर मिलेगा, और जिसने ये दोनों टिक किए हैं उसको नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरा जो प्रश्न था, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, अगर आपने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र या उत्तराखंड दोनों में से कोई भी आंसर टिक किया था तो आपको नंबर पूरा पूरा एक नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, ये दो प्रश्नों में ही केवल और केवल संशोधन किया है पीएनपी ने, बाकी के जितने भी प्रश्न थे सब पर आपत्ति जितनी की गई थी सबको खारिज कर दिया था। इस तरह पीएनपी ने कई जायज आपत्तियों को भी ठुकरा दिया है, और हजारों अभ्यर्थियों की धनराशि जो प्रति प्रश्न 500 रुपये आपत्ति के नाम पर ली गई थी उसे जब्त कर लिया है। इस प्रकरण को देखते हुए ये तो साफ हो गया है कि यूपी टेट 2019 जो 8 जनवरी 2020 को हुई थी, पिछली यूपी टेट की निश्चित रूप से कोर्ट में जाकर फंस रही है। इस तरह यूपी टेट में आपत्ति पर लिए जाने वाले शुल्क पर पहले से ही कोर्ट में ये जो यूपी टेट 2019 है ये दस्तक दे चुकी है, क्योंकि इस पर आपत्ति पर शुल्क वसूला जा रहा है। इसको लेकर पहले ही यूपी टेट 2019 कोर्ट में दस्तक दे चुकी है। अब अगर आपको भी नंबर बढ़वाने हैं तो आपको भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पीएनपी ने यह साफ कह दिया था कि आपत्ति के बाद जो संशोधित उत्तरमाला जारी होगी उस पर कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको नंबर बढ़वाने हैं तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो के साथ। अगर आप डीएलएड के सारे सेमेस्टर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।